हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते थे। क्या मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाएगा? क्या कॉपीराइट होने के बाद भी मेरे चैनल पे जो व्यूज आ रहे हैं वो काउंट होंगे? उसके वॉचिंग आवर्स मेरे व्यूज में काउंट होंगे, 4000 वॉचिंग आवर्स में काउंट होंगे या नहीं होंगे? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हमने चैनल स्टार्ट किया है तो हम लोग ने कपल का चैनल बनाया। हम दोनों कपल की वीडियो डाली मैंने स्टार्टिंग। हम दोनों की अभी अभी शादी हुई थी तो सबसे पहले मैंने अपनी शादी की एल्बम उठाई और वीडियोज कट कट करके डालने लगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हर वीडियो पे हम यूट्यूब पे शॉर्ट्स का तो अलग फंड है। शॉर्ट्स में डालोगे तो कई बार कॉपीराइट 90% नहीं आता, बट वीडियो लॉन्ग वीडियो डालोगे तो उसमें साउंड पे कॉपीराइट आता ही आता है। तो उसमें और कोई सॉन्ग लगा होगा तो उस पर हमारी हर वीडियो पे कॉपीराइट आने लगा। तो अब मैं सोच रहा था यार, ये कॉपीराइट आ जा रहा है, चलो वीडियो चल रही है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, शादी की वीडियो, डांस हो रहा है बढ़िया, विदाई वगैरह वीडियो पे आ रहे हैं, लेकिन उसके जो वॉच ओवर है वो मेरे उसमें काउंट होंगे? मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही? मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो इसका आंसर ये है कि वो मेहनत खराब नहीं जाती टिल मोनेटाइजेशन। मतलब सपोज आपने अपनी शादी की कोई वीडियो डाल दी, फेरे की वीडियो डाल दी, डांस की वीडियो डाल दी, कपल डांस की वीडियो डाल दी, तो उस पर जैसे सपोज आपके 4000 वॉच ओवर आ गए या उस पर अच्छे खासे 2 लाख व्यूज आ गए, तो वो क्या होगा कि वो व्यूज के जो वॉच ओवर है वो काउंट होंगे, वो काउंट होंगे मोनेटाइजेशन में। तो इन द एंड जब आपके 4000 कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। देखो, यूट्यूब को भी पता है, यूट्यूब में ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर जैसे मैं डांस करता हूँ तो बिना सॉन्ग के डांस तो बहुत अजीब लगेगा। कपल डांस करे, सॉन्ग ही नहीं बज रहा, म्यूट कर देंगे उस पार्ट को तो कोई नहीं देखेगा। तो यूट्यूब को पता है कि अगर आप डांस करते हो, गाना गाते हो तो आपको वॉइस की जरूरत होगी, तो जो कि ऑब्वियस है। तो उस वजह से ना आपको यूट्यूब जो है कभी भी आपको चैनल खराब नहीं होगा। और दिक्कत आती है स्ट्राइक पे, स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए आपकी वीडियो पे, 3 स्ट्राइक से आपका चैनल उड़ जाता है। तो स्ट्राइक होता है कि अगर आपने क्या कहते हैं कोई मूवी, कोई सीरियल, कोई किसी और का कंटेंट अपने चैनल पर डाल दिया तो वहां पे दिक्कत है, वहां पे मोनेटाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो रिव्यू करते हैं ना मोनेटाइजेशन के समय, तो वो देखते हैं कि ये किसी और का कंटेंट तो नहीं है, ये बंदे का ओरिजिनल कंटेंट है, इसी ने मेहनत की है या किसी और का उठा के डाल दिया। तो ये सारी चीजें चेक होती हैं बिफोर मोनेटाइजेशन। उसके बाद जब वो देखते हैं कि आपका रियल कंटेंट है और आप ही की मेहनत है, तो वो आपका चैनल को मोनेटाइज कर देते हैं यूट्यूब वाले। तो यस, बस एक दिक्कत है उसमें आपको, मैं फोन में दिखाऊं, मेरा फोन दिखाना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं मेरी एक वीडियो है आप देखिए, इमोशनल विदाई वाली, अगर आपको टाइम मिला तो देखना। इस वीडियोस पे 3,19,000 व्यूज है। ठीक है, और जब मैं इसे ओपन करूंगा ना तो इसमें आप देखोगे कि इसमें वॉच ओवर है 6,000। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज आप सबसे ऊपर देखना है इस वीडियो में, मोनेटाइजेशन इनएलिजिबल। मींस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें वॉच ओवर काउंट हुए लेकिन आपका चैनल सपोज मोनेटाइज हो गया, इस वीडियो से आपको पैसा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना कि मेरे चैनल वीडियो पे कॉपीराइट है तो पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। उस वीडियो के आपके वॉच ओवर काउंट हो गए टिल मोनेटाइजेशन, बट उसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये वाली चीज थोड़ी सी गलत है, तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब अपना कंटेंट या ब्लॉग जो भी हो, ओरिजिनल हो, उसमें क्या कहते हैं वॉइस किसी और की ना हो, तो उसके आपको पैसे मतलब पैसे मिलेंगे। अदरवाइज अगर वो ये मोनेटाइजेशन इनएलिजिबल है तो मतलब आप एलिजिबल ही नहीं हो वीडियो को मोनेटाइज करने के लिए कि आपके उससे पैसे आए। आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरा यही है सिंपल कि अगर आप अपना वीडियो डाल रहे हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, ये सब मत सोचो कि आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आप बस अपना काम करो, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको एक पॉइंट पे आके जब आपकी ऑडियंस कलेक्ट हो जाएगी तो आपको पैसे भी मिलेंगे। जहाँ तक बात है हमारी वीडियो का जिसपे कॉपीराइट वगैरह आया, तो हम लोगों का ये नहीं था कि कॉपीराइट आ गया वो उससे हमें पैसे नहीं मिलेंगे। पहले मोनेटाइज तो हो जाए, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार मोनेटाइज कर लो चैनल, जब मोनेटाइज हो जाए उसके बाद अपने कंटेंट पे और ज़्यादा मेहनत करो और आप लोग अच्छे से अर्न कर पाओगे हम लोग। सो गाइज, ये था हम दोनों का टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हमारे चैनल में लगा है। सो आई होप इट हेल्प्स यू एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।